show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you, yeah. आज हमारे पास है फोर्ड की एकोस्पोर्ट 2021 का वेरिएंट है ये। इसको अभी लगभग दो महीने जैसे होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। बुकिंग दिसंबर में की थी, मिली थी जनवरी में। हालांकि कोई वेटिंग पीरियड नहीं था, फिर भी थोड़ा टाइम लेते ही है। मतलब कोई भी शोरूम वाले हो, कोई भी गाड़ी पर्टिकुलर देनी हो, मारुति के अलावा कोई भी आप किसी भी कार डीलर्स के पास जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत टाइम तो मिलता ही है। तो ये है टॉप वेरिएंट है, टाइटेनियम डीजल 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आता है। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, बताएंगे आपको कि क्या क्या चेंजेस किए हैं और कैसी है ये गाड़ी। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं यहाँ से फ्रंट से। तो फ्रंट में यही आपको सिंपल जो पहले आते थे वो हेडलैम्प्स मिलेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, इसमें प्रोजेक्टर्स दे दिए हैं, ये नॉर्मल बल्ब आएगा जो, और ये आपको एक प्रोजेक्टर आएगा। वहीं नीचे आपको यहाँ पे फोग लैंप की हाउसिंग मिलेगी, फोग लैंप एंड डीआरएल्स। तो डीआरएल्स आपको यहाँ पे इंटीग्रेटर मिलेंगे जो गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्लिंक करते हैं दोनों साइड पे, जो यहाँ पे डीआरएल्स रहेंगे। और ये इसकी ग्रिल रहेगी जो कि टिपिकल फोर्ड स्टाइल में आती है उसकी सभी गाड़ियों में। यहाँ पर आपको बम्पर मिलेगा डुअल टोन में। ये स्कीड प्लेट आएगी जो थोड़ा सिल्वरिश कलर इसको दिया गया है। और बात करें नंबर प्लेट की तो यहीं पे ये बम्पर के ऊपर ही स्टिक करने के लिए का ऑप्शन है, कोई अलग से पर्टिकुलर ऑप्शन हाउसिंग उसका नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं इसके साइड की और बताते हैं कि लेंथ और वगैरह कुछ चेंजेस किया है किस तरह से है। तो साइड से देखने पर ये टिपिकल पहले जैसी लगती है, कोई भी चेंजेस नहीं है। वहीं आपको ये टर्न ORBMs मिलते हैं विद इंडिकेटर्स जो ऑटो फोल्डेबल और ऑटो एडजस्टेबल हैं। और आपको सेंसर अनलॉक मिलेगा जो ओनली ड्राइवर साइड डोर है, बाकी कोई भी डोर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स दिए हैं जो कि वर्किंग है, आप इस पर लोड कैरी कर सकते हैं। फोर्ड बोलता है 50 kg तक आप लोड कैरी कर सकते हो इस पर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको फ्यूल लीड मिलेगा ड्राइवर के लेफ्ट साइड पे। बैक की तो बैक में भी देखने पे कोई ज़्यादा मेजर या कोई चेंजेस नहीं है। ये आपको यहाँ पे माउंटेड आपको टायर मिल स्पेयर व्हील मिल जाएगा। यहाँ पे ये EcoSport की बैचिंग, ये फोर्ड का लोगो। वहीं आपको यहाँ पे सिंपल सा पहले की तरह सब कुछ दिया है। टेल लाइट्स, यहाँ पे टेल लाइट्स में ये आपको ग्रे हैंडल दिया है जो इसको बूट ओपन करने के लिए। ये टाइटेनियम की बेसिंग TDCI ओ, ये बताता है कि डीजल इंजन इस मशीन में है। यहाँ पे नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे विद बैक लाइट। यहाँ पे आपको डिफोगर मिलेगा, ये स्पॉइलर है, इसमें स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड आपको ब्रेकिंग लाइट मिलेगी। एंटीना इसमें अभी भी शार्क फिन नहीं आता है, नॉर्मल एंटीना मिलेगा आपको केबल वाला। आपको वाइपर मिलेगा और यहाँ पे आपको नीचे कैमरे की प्लेसिंग मिलेगी। यहाँ पे कैमरा प्लेस्ड है और ये आपको चार सेंसर्स मिलेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, चार सेंसर्स रहेंगे। नीचे आपको स्किड प्लेट दिए आगे की तरह सिल्वरिश कलर में। ये आपको यहाँ पे टोइन का वो होक मिलेगा जो इसके नीचे आप बाहर निकाल के कर सकते हो। तो इसके बूट स्पेस की बात करें तो ये 352 लीटर का बूट स्पेस आता है, तो देखते हैं कितना बड़ा है, कितने काम का है।
ये कुछ इस तरह से खुलता है, इसका डोर साइड पे जाता है। पार्सल ट्रे आएगा आपको, और ये आपको इसका बोर्ड स्पेस मिलेगा जो कि काफ़ी कम है। अकॉर्डिंग टू इसके कंपटीशन में देखे तो ब्रेजा का भी ज़्यादा था, इन मैग्नेट का भी ज़्यादा था, पर ओके, हर गाड़ी का एक अलग होता है। यहाँ पे आपको कुछ टूल किट वगैरह मिल जाएंगे, तो कि इसका स्पेयर पार्ट्स, तो स्पेयर व्हील तो बाहर। हाँ, दरवाजे की बात करें, दरवाज़ा काफ़ी हैवी है, मतलब अगर आप थोड़े कमज़ोर हो तो आपको तकलीफ हो सकती है लगाने खोलने में, क्योंकि ये माउंटेड होने की वजह से, और वैसे भी फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी के लिए फोर्ड जाना जाता है। तो बात करें इसके टायर प्रोफाइल की, तो टायर की प्रोफाइल 205/60R16 है, 16 इंच का आएगा, जिसकी प्रोफाइल 205/60 है, जो एलॉय व्हील्स के साथ में आएगा, सिल्वर इज फिनिश में, ये मशीन कट नहीं आएंगे, सिंपल आएंगे। और इसमें एक चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि एकोस फोर्ड जनरली क्या करता है, बाकी गाड़ियों में चार ही एलॉय व्हील्स आते हैं, और जो स्पेयर व्हील होता है वो आपका सादा स्टील व्हील आता है, पर फोर्ड एक ऐसी कंपनी है जो आप अगर टॉप एंड वेरियंट्स के साथ में जाते हो उसके किसी भी व्हीकल के साथ में, तो पांच से जो स्पेयर व्हील होता है वो भी आपको सेम साइज और एलॉय व्हील्स के साथ प्रोवाइड करती है। दिस इज़ द नाइस थिंग। फर्स्ट हम बात करते हैं दरवाजे की, तो ये फर्स्ट ड्राइवर साइड का डोर है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये ORBMs के कंट्रोल्स, और ये सारे चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं यहाँ पे आपको स्पीकर रहेगा, यहाँ पे एक ट्विटर का प्लेसिंग यहाँ पे दिया है, और वाटर होल्डर भी मिल जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ी ये क्वालिटी जो है तो थोड़ी बहुत गंदा लगता है, थोड़ा अच्छा फिनिश होता तो अच्छा रहता। तो अब चलते हैं इसके अंदर और बताते हैं अंदर का कैसा है। तो अब हम आ गए हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट के अंदर, तो अगर इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से इसका MID दिखता है, अभी बंद है, इसकी स्टॉप स्टॉप बटन यहाँ पे दी है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे आपको RPM मीटर रहेगा, और ये फ्यूल का है, और ये AC है, ये टेम्परेचर का, तो ये सारा पूरा, और ये लगभग 3 इंच का आपको टच MID मिलेगा, डिजिटल MID मिलेगा, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए हैं, तो यहाँ से आप चेंज करके कर सकते हैं। और ये आपको, सॉरी, ये MID के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये MID के कंट्रोल्स मिलेंगे, और देखिए, और राइट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के पूरे कंट्रोल्स मिलेंगे। ये इसका स्टीयरिंग व्हील्स आएगा कुछ इस तरह से, हालांकि काफ़ी अच्छा है, और कंपनी से ही ये लेदराइज रेप्ड होके आता है, जो काफ़ी अच्छा है, और स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी स्मूथ है, बहुत अच्छा है, ग्रैब करने में काफ़ी हैंडी है। और ये आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो टच है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको ये नॉब मिलेंगे वॉल्यूम के, और ये सारे बटन्स रहेंगे, जिससे आप अगर ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको इजी टू यूज़ हो जाए, इसलिए आपको बटन बाहर दिए हैं कुछ। ये आपको AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे आपको USB के कंट्रोल्स मिलेंगे, और यहाँ पे कुछ छोटा सा स्पेस दिया है, जो कुछ भी आप कॉइन्स वगैरह कुछ रख सकते हो। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जिंग दिया है, काफ़ी अच्छा है। गियर लीवर 5-speed 1-reverse के साथ में आता है, और ये आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, जो जिसकी प्लेसिंग थोड़ी सी पीछे है, थोड़ी आगे होती तो काफ़ी बेटर हो सकता था। ये आपको नॉर्मल हैंडब्रेक मिलेगा, जो कि सभी गाड़ियों में आता है लीवर वाला, और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया है, ये पियानो फिनिश टाइप में दिया है, जो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ अच्छा लगता है। ये आपको टेक्सराइज मिलेगा,
ये ग्लव बॉक्स रहेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर डिसेंट इनफ है। यहाँ पे आपको लाइट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, रीडिंग लैंप्स। यहाँ पे कोई भी आपको सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ये IRBM रहेगा जो सिंपल है, कोई भी ऑटो रेमिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं है, ओनली पैसेंजर साइड पे है, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, आपके लिए नहीं है। तो ये इसका था आगे का लेआउट। और ये AC वेंट्स काफ़ी अच्छी प्लेसिंग है। और कूलिंग की बात करें तो कूल भी काफ़ी अच्छा करता है, फास्ट करते हैं, कोई शिकायत नहीं है। तो ये इसका विंडशील्ड, फ्रंट विंडशील्ड एरिया है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बोनट दिखता है, तो कोई इशू आपको ड्राइविंग में नहीं आने वाली है फॉर श्योर। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग ओनली यही एक गाड़ी ऐसी है जिसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के ऑप्शन इस रेंज में मिलते हैं। हालांकि सेल्टोस और क्रेटा भी नीचे के वेरियंट्स में नहीं प्रोवाइड करती है ये चीज़। तो दिस इज़ द नाइस थिंग फॉर फोर्ड। ये फीचर मतलब बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियों में आते हैं, तो ये इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं पीछे और बताते हैं पीछे कैसा स्पेस है इस गाड़ी में। तो हम आ चुके हैं इसके पीछे रियर की सीट पे। तो रियर की सीट का बात करें तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा, सीट इसकी काफ़ी ब्रॉड है, मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट टॉल भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, लेग रूम का थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मेरी हाइट 5'6" है और मुझे इतना कम लेग रूम मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली कोई लंबे इंसान को और भी तकलीफ हो सकती है। हाँ, हेड रूम की कोई इशू नहीं आने वाला है डेफ़िनेटली। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। और डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको ये आपको ओपनर मिलेगा जिसकी फिनिश भी सिल्वर इसमें दी है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिलेगा जो भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसमें स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी ठीक से प्लेसिंग नहीं की हुई है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी बड़ी बोतल नहीं आ सकती है, इतना सा दिया है। ये आपको स्पीकर मिलेगा, इसमें सिर्फ आगे के डोर्स में 1-1 लीटर की बोतल आ सकती है, पीछे 500 ml की बोतल से ज़्यादा नहीं आ सकता है। और यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का सॉकेट मिलेगा 12 वोल्ट का। इसकी प्लेसिंग भी ठीक है क्योंकि अगर आप साइड पे बैठे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। वहीं अगर बात करें तो बीच में कोई भी आपको AC वेंट्स नहीं मिलने वाला है रियर पैसेंजर के लिए। तो ये एक मतलब इतना अगर आप 11-12 लाख एक्सपेंड कर रहे हो और ये कुछ चीज़ें आपको मिस आउट होती हैं, तो डेफिनेटली मतलब यहाँ पे कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन भी नहीं आपको मिल रहा है। और देखें तो यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बैक में यहाँ पे, और सीटिंग की बात करें तो सीट इतनी ब्रॉड भी नहीं है कि 3 लोग बैठ सकें आराम से। मतलब अगर कंफर्टेबली बैठने हैं तो सिर्फ 2 लोग ही आ सकते हैं, हालांकि इस पे सीट कवर चढ़ गए हैं तो आर्मरेस्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये सीट कवर डलवाए हुए हैं आफ्टर मार्केट। और इसकी पार्ट्स पार्सल ट्रे, और यहाँ पे इसको रीडिंग लैंप दिया है जो कि पीछे दिया है, आई थिंक किसी काम का नहीं है, वो तो रात के टाइम पता चले मतलब ये वर्केबल है या नहीं है। तो ये सीन था इकोस्पोर्ट का। देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से मतलब इसमें फीचर्स बहुत सारे मिसिंग हैं ऐसे, जो कि कंपटीशन में अगर जाते हैं दूसरी गाड़ी के लिए तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और नए मतलब मॉडर्न टाइप में स्टाइलिश वगैरह वो सब आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वही पुराना डिज़ाइन मिलने वाला है, कोई भी फीचर अपडेट नहीं किया अभी तक फोर्ड ने, तो ये चीज़ डेफिनेटली देखने वाली है। हाँ, गाड़ी बहुत दमदार है, कोई इशू नहीं आने वाला है, परफॉर्मेंस गाड़ी का अच्छा है, एवरेज भी अच्छी है। और बात करें तो गाड़ी का जो पंच है मतलब चलाने का जो मज़ा है वो डेफिनेटली इसमें मिलने वाला है आपको। कहाँ है,
बात करें इसके इंजन की तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है TDCI, जो पावर प्रोड्यूस करता है 98 BHP का 215 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। हालांकि टॉर्क इसमें भर भर के प्रोड्यूस होता है, इस वजह से ये इंजन इतना दमदार है, कभी भी आपको इसमें लैग फील नहीं होगा। कहीं भी आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या हाईवे ड्राइव कर रहे हैं, नॉर्मल कर ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको लैग फील नहीं होने वाला है। और एवरेज भी अभी जितना मैंने ड्राइव किया मुझे लगभग 17, 18 का एवरेज कंसिस्टेंटली मिला है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इस गाड़ी को कोई भी मतलब बीट नहीं कर सकता है, शायद इसी वजह से ये गाड़ी अभी भी मार्केट में इतनी बिकती है। और बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो वो आप इसका बोनेट आप बहुत हैवी है, सिंगल हैंड से आपको उठाना थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तो यहीं पे आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी की पता चल जाता है। तो अब हम चलते हैं इसकी ड्राइव पर और बताते हैं आपको इसका परफॉर्मेंस। तो ये इसकी की है, ओनली 2 बटन्स आएंगे आपको, ये आपको ओपन का मिलेगा, ये लॉक का मिलेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ये इसको तो रखते हैं यहाँ पे, सीट बेल्ट, इसका रिवर्स कैमरे की बात करें तो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ डायनेमिक वो तो नहीं है, सिंपल से है, पर क्लैरिटी और विजिबिलिटी अच्छी है। अभी हम जहाँ पे इसको ड्राइव करने वाले हैं वो एक कच्चा रास्ता है, हालांकि खड्डे वगैरह ज़्यादा हैं तो उसमें भी पता चल जाएगा कि कितनी कितना कंफर्ट और सॉफ्टनेस है इस गाड़ी में। स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी लाइट है, काफ़ी हैंडी है यूज़ करना। और क्लच का ट्रैवल थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत छोटा क्लच दिया है जिसकी वजह से यूज करना काफ़ी हैंडी हो जाता है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, ओनली फ्रंट व्हील में इसके डिस्क ब्रेक आते हैं, पीछे के व्हील्स ड्रम आते हैं। हालांकि मैं अभी बहुत ख़राब रास्ते पर चल रहा हूँ, फिर भी गड्ढे महसूस हो रहे हैं पर इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। एब्जॉर्प्शन सिस्टम इसका मतलब ठीक है, मतलब उतना अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, बट ओके है इस हिसाब की गाड़ी के लिए। हाँ थोड़ा स्टिफ है क्योंकि SUV गाड़ियों में कैसा रहता है, थोड़ा जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग टफ रखा जाता है ताकि ऑफ रोडिंग वगैरह उसमें ये कोई ज़्यादा तकलीफ ना करे। इसकी बात करें तो इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है, नेविगेशन भी इसमें इनबिल्ट आता है और इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, मीडिया, रेडियो, इनफोन, नेविगेशन, एंड सेटिंग ऑल्सो। तो आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, आप बात भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी काफ़ी शानदार मिलती है इस गाड़ी में, बड़ा सा ग्लास एरिया है यहाँ पे भी आपको। हाँ यहाँ ये थोड़ा इस यहाँ पे रूमी फील कराने के लिए यहाँ पे आपको दो कॉर्नर पे छोटा सा ग्लास प्रोवाइड किया गया है, ताकि अगर वो सीधा फ्लैट रखते तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ने की वजह से आपको एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, इस वजह से वहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन फॉलो किया है।
इस गाड़ी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, स्टेबल बहुत है। मतलब आप अगर स्पीड पे भी हो और साफ टर्न वगैरह लेते हो तो आपको स्टेबल मतलब लगता है, ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें हम मतलब अनसेफ जैसे फील हो रहे हैं और सडनली आपको नर्वसनेस आ जाता है जैसे गाड़ी स्पीड पे होती है और किसी रीज़न से आपको एकदम से साफ टर्न लेने पड़े, तो वो इस चीज़ इस गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छी है, वो चीज़ आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाली है। हालांकि इतने बड़े इंजन के साथ में 5-speed का गेयरबॉक्स का देना ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। ये 6-speed मैनुअल होता तो आपको ज़्यादा अच्छा फील हो सकता था, पावर और यूज कन्वीनियंट के हिसाब से। तो अगर आपके सामने दो चॉइस रखे जाएं ब्रेजा और EcoSport को, और अभी तो फ़िलहाल के लिए मतलब मारुति में तो डीजल इंजन नहीं आते हैं, पर फिर भी आपको दो ऑप्शन दिए जाएं तो आप कौन सी चूज़ करेंगे, ब्रेजा या EcoSport, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि दोनों गाड़ियां राइवल रही हैं एक टाइम पे और आज तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी टाइम पे ये जो मिड साइज कॉम्पैक्ट SUV का जो चलन है, जो मतलब अभी मार्केट में इतना चल रहा है, इस गाड़ी ने ही सेट किया था ये। तो ये गाड़ी मतलब इसको ट्रेंड सेटर बोल सकते हैं, मतलब ये जो कॉम्पैक्ट SUV का जो ट्रेंड है वो ये गाड़ी लेके आई थी Ford EcoSport 2013 में। तो 2013 के बाद में मतलब ब्रेजा आई, ब्रेजा ने काफ़ी टाइम तक मार्केट पर रूल किया, उसके बाद में तो कॉम्पिटिटर की लाइन लग गई। मतलब अभी तो इस सेगमेंट में 6-7 गाड़ियाँ आती है, कस्टमर्स को चूज़ करने को ऑप्शंस मिल गए हैं। और हालांकि बहुत सारी ब्रेजा ने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, पर EcoSport ने कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किए गाड़ी में, इस वजह से शायद फीचर्स भी कॉम्पिटिटर्स काफ़ी अच्छे दे रहे हैं, शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से भी EcoSport काफ़ी पीछे लग रही है। देखते हैं आगे इनका क्या प्लान है इस गाड़ी के साथ में। हालांकि गाड़ी इतनी अच्छी होने के बावजूद उनको कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि ये फिर से मार्केट में अपनी पहले जैसी पकड़ बना सके। तो ये था हमारा आज का सेशन, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए